सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, बात करेंगे कि कैसे आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ जा सकते हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो बद्रीनाथ जाना चाहते हैं ऋषिकेश हरिद्वार से, तो उनको पूरी डिटेल चाहिए होती है कि कैसे रास्ते हैं, कैसे कैसे हम जा सकते हैं, कौन कौन सी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, कौन कौन से परमिट चाहिए, कौन कौन सी रजिस्ट्रेशन पास चाहिए, रजिस्ट्रेशन पास कैसे करवाना है, वो मैंडेटरी है या नहीं, वहां जाके क्या करना है, क्या क्या वहां पे देखने के लिए, तो सारी चीजें आपको इस वीडियो के एंड तक बहुत ज्यादा डिटेल में जानने को मिल जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बद्रीनाथ ऋषिकेश या हरिद्वार ऐसे नए नए ट्रिप्स पे जाने के लिए अगर आपको चाहिए तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। ये सारी जर्नीस मैं पहले खुद एक्सपीरियंस करता हूँ। मैंने रिसेंटली अभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, मानाविले, जोशीमठ, ये सारी जगह है जो चौपाटा, तुंगनाथ, ये सारी जर्नीस की। उसके बाद अभी सारी उनके लिए जो मैंने वहाँ पे डेटा कलेक्ट किया, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि आपकी जो जर्नी रहे बद्रीनाथ के लिए वो काफी ज्यादा इजी रहे। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता लग जाए कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन रहती है, या तो आप हरिद्वार ऋषिकेश दोनों में से किसी जगह से भी बद्रीनाथ जा सकते हैं, बहुत इजी है, मेनली रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको बद्रीनाथ कौन सी डेट पे जाना है। ये डिसाइड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उस दिन वेदर काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जोशीमठ वाली साइड पे ना जो लैंडस्लाइड वगैरह काफी ज्यादा हो रही है, रस्ते काफी ज्यादा टूट रहे हैं। वैसे तो जो 90% रास्ता है वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन जो 10% रास्ता है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, तो वो सिर्फ 10% ही है। 90% रास्ता हाईवे और काफी ज्यादा अच्छा है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप पूरा रास्ता देखना चाहते हैं ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं पूरी मेरी जर्नी। तो जाने से पहले आपको वेदर रिपोर्ट चेक करनी है। बहुत लोग पूछते हैं कि वेदर रिपोर्ट वहां पे वेदर कैसा है, वहां पे कैसे देखें, तो आपको वेदर रिपोर्ट ना गूगल के ऊपर चेक कर लेनी है। जिस डेट को आप जा रहे हैं उससे 10 दिन पहले आपको अपनी वेदर रिपोर्ट है जो चेक करनी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि गूगल 10 दिन पहले ही वेदर जो प्रिडिक्ट कर देता है कि उस दिन वहां पे वेदर कैसे रहने वाला है। तो आप जिस दिन जाने वाले हैं उस दिन का वेदर, उससे अगले दिन का वेदर, उससे पिछले दिन का वेदर, सारी वेदर रिपोर्ट आपको देखनी है कि वेदर वहां पे कैसे रहने वाला है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान बनाएंगे। अगर आपको दिख रहा है कि वेदर काफी ज्यादा खराब है तो आपको अपने प्लान इमीडिएटली कैंसिल कर देने, अगर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो अपने प्लान को कैंसिल कर देना। लेकिन अगर वेदर ठीक है तो आप जो बद्रीनाथ जाने के लिए प्लान कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज जो आती है कि परमिट और परमिशन क्या चाहिए, तो परमिट और परमिशन कुछ भी नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली बद्रीनाथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप चाहिए, जो कि ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जो YouTube वीडियोज ऑलरेडी बन रखी है, जाके आप देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज है कि कैसे आप बद्रीनाथ की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपनी बद्रीनाथ जिस डेट को आप जाना चाहते हैं उसके लिए आपको यात्रा पर्ची बुक करनी है। यात्रा पर्ची के बिना आप बिल्कुल वहां पे ना जाए, क्योंकि वहां जाके अगर आपके पास नहीं होगी तो आपको यात्रा टोकन नहीं मिलेगा, जो कि काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है, जो मेरे साथ खुद पर्सनली भी हुआ था। मेरे पास भी रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो वहां जाके फिर मुझे करनी पड़ी। बाई चांस जिस दिन हम गए थे उस दिन रजिस्ट्रेशन स्लॉट खाली थे, इसलिए हमारी बुक हो गई। लेकिन अगर उस दिन रजिस्ट्रेशन स्लॉट खाली ना होते तो हमको अगले दिन की मिलती, जिसकी वजह से हमको एक एक्स्ट्रा दिन वहां पे स्पेंड करना पड़ता। तो जाने से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन बुकिंग जरूर करा के जाए, जो कि बहुत इजीली 5 मिनट में ऑनलाइन घर बैठे बैठे हो जाती है। उसके बाद आपको जो अपनी पैकिंग है वो काफी ज्यादा अच्छे से करनी है, क्योंकि बद्रीनाथ में जो ठंड है काफी ज्यादा रहती है। अभी तो बारिश भी काफी ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से ठंड और भी ज्यादा है। तो आपको अपने जो कपड़े काफी ज्यादा अच्छे से पैक करने हैं। अभी मैं आपको बैकपैक लिस्ट भी बता देता हूँ कि बद्रीनाथ के लिए क्या क्या बैकपैक लिस्ट आपको जो फॉलो करनी है। सबसे पहले तो आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए, जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद अपने सारे होटल वगैरह की बुकिंग आप ऑनलाइन करके जाए, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास होटल की बुकिंग होगी तो आपके पास काफी ज्यादा अच्छी ऑप्शन रहेगी कि आप अच्छे होटल वगैरह बुक करके जा सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट वगैरह कम है और आप बिना फैमिली के जा रहे हो तो आप बद्रीनाथ में जाके भी होटल वगैरह बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने होटल वगैरह पहले से बुक करके जाओ। लेकिन आपको ऑनलाइन जो होटल वगैरह है वो थोड़े से कॉस्टली मिलेंगे, लेकिन अगर आप सस्ते रेट में लेना चाहते हो एज कम्पेयर टू ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन ना 3,000-4,000 से नीचे आपको होटल मिलने नहीं वाला, लेकिन अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपको 1,200-1,500-3,000 तक भी होटल वगैरह मिल जाएंगे। तो अगर आप फैमिली के साथ नहीं है तो आप अपने होटल वगैरह पहले से बुक करके ना जाए तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या जिनके साथ बच्चे के साथ जा रहे हैं तो आप अपने होटल्स वगैरह पहले से ऑनलाइन बुक करके जाए। उसके बाद आपको बस की बुकिंग्स भी पहले से करके रखनी है। यहाँ पे अगर आप बद्रीनाथ बाय बस जाना चाहते हैं तो आपके आने और जाने के टिकट है वो पहले से बुक होनी चाहिए, क्योंकि आपको ना बहुत दिक्कत आती है। जो वापस आने के टिकट तो अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है वहां से, क्योंकि वापस आते वक्त तो आपको कोई भी बस में बैठ जाओगे तो बिठा लेंगे, वहां पे बहुत सारी बसें चलती हैं। लेकिन जब हरिद्वार या ऋषिकेश हम जाते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है कि आपके पास अगर बस की बुकिंग ना हो तो आपको सीट नहीं मिलती। उसके अलावा आपको मेडिकल बॉक्स अपने साथ ले जाना है, क्योंकि बद्रीनाथ काफी ज्यादा हाइट पे है तो आपको ऑक्सीजन लेने में वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आपके पास ऑक्सीजन वाली गोली और ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए। अगर आप बूढ़े लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर मस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप सारे यंग लोग हैं, आपको सांस लेने की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऑक्सीजन वाली गोली लेके जा सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर पे जाके आप बोल सकते हैं कि मुझे हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन वाली गोली चाहिए, अगर ऑक्सीजन ना आए, मतलब सांस ना आ रही चढ़ रही हो या सांस चढ़ रही हो तो उसके लिए गोली दे दो। वो गोली अपने साथ जरूर ले जाए। बाकी सारी मेडिसिन है जैसे कि बुखार जुकाम ये सब तो आपको ले जानी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको बहुत सारे गर्म कपड़े ले जाने, क्योंकि फिलहाल वहां पे मतलब ठंड जो काफी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि काफी ज्यादा हाइट पे बारिश भी हो रही है तो ठंड भी काफी ज्यादा पड़ती है। उसके बाद आपको रेनकोट और अम्ब्रेला अपने साथ जरूर ले जाना है, क्योंकि बारिश आपको पता ही है इस साल तो अनएक्सपेक्टेड बारिश पड़ रही है, तो रेनकोट के बिना वहां पे आप
आपको बिल्कुल नहीं जाना है। ट्रैकिंग शूज आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो बद्रीनाथ में आपको ज्यादा चलना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ पे कंफर्टेबली चलना चाहते हैं, क्योंकि आपको ना इन सब चीजों में चलना काफी ज्यादा पड़ता है, तो आप ट्रैकिंग शूज ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप ट्रैकिंग शूज को भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑफलाइन मैच डाउनलोड करके ले जाना है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क की काफी ज्यादा दिक्कत है। वैसे तो सभी सिम के एयरटेल और जियो वहाँ पे दोनों ही नेटवर्क काफी ज्यादा अच्छे आते हैं, इंटरनेट भी काफी ज्यादा अच्छा चलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे नेटवर्क कट जाता है, तो आपको ऑफलाइन मैच भी डाउनलोड करके ले जाने हैं। बद्रीनाथ में आपको कोई भी एटीएम वगैरह देखने को नहीं मिलने वाला, तो सारा कैश ही चलेगा, तो आपको अपने साथ कैश ले जाना है। वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट्स भी एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन ट्राई करें कि अगर आपका बाई चांस नेट वगैरह नहीं चल रहा है, फोन नहीं चल रहा, तो आपके पास कैश होना जरूरी है। तो 10 से 20 हज़ार कैश अपने साथ जरूर ले जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई एटीएम भी नहीं है। अगर आपके पास कैश खत्म हो गया तो आप कैश दोबारा नहीं निकलवा पाएंगे, तो इनफ कैश अपने साथ जरूर ले जाए। पावर बैंक अपने साथ जरूर ले जाए, और अपने साथ जो छोटे मोटे स्नैक्स है वो अपने साथ ले जाए, अगर जैसे रस्ते में खाने वाने के लिए टॉफी बिस्कुट कुरकुरे चिप्स, ताकि आपको रस्ते में महंगे स्नैक्स ना खरीदने पड़े। उसके बाद अगर हम जर्नी की बात करें, तो आपकी जो जर्नी है दो पॉइंट से स्टार्ट हो सकती है, या तो हरिद्वार से स्टार्ट हो सकती है या ऋषिकेश से स्टार्ट हो सकती है। तो हरिद्वार और ऋषिकेश आपको कैसे पहुंचने, वहाँ पहुंचने के लिए सबसे जो अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो देहरादून एयरपोर्ट है, ठीक है, देहरादून एयरपोर्ट आप पहुंच सकते हैं। वहाँ से आप बस या टैक्सी लेके ऋषिकेश या हरिद्वार दोनों जगह में से कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो लोग गलती करते हैं वो ऋषिकेश में चले जाते हैं। ऋषिकेश से जो फ्रीक्वेंसी है बसेस की वो बहुत ज्यादा कम है। अगर आपको जाना है जैसे कि बद्रीनाथ वगैरह के लिए, तो आपको सुबह चार से लेकर 6 बजे तक की जो बसेस मिलेंगी, उसके बाद आपको कोई बस नहीं मिलने वाली जो बद्रीनाथ जाएगी। तो ऋषिकेश और हरिद्वार से आपको डायरेक्टली जो बसेस मिल जाती है, दो प्रकार की बसेस आपको देखने को मिल जाएंगी, लोकल बस में देखने को मिल जाएगी, सरकारी बस देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे आपको चाहते हैं कि बस इजीली मिल जाए, कोई दिक्कत ना आए, तो आपको जो अपना स्टे है वो हरिद्वार में करना है। हरिद्वार पहुंच जाए, हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास आप वहां पे अपना स्टे ले लें, ताकि आप सुबह सुबह उठ के पैदल ही बस स्टैंड तक जा सके। बस स्टैंड से सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक, ठीक है, बसेस चलती है, जो कि प्राइवेट बसेस और सरकारी बसेस रहेंगी। अगर आप प्राइवेट बस से जाना चाहते हैं तो प्राइवेट बस की टिकट आपको एक दिन पहले बुक करनी पड़ेगी, सेम डे आपको सीट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% जो टाइम है वो बस जो प्राइवेट बसेज है वो फुल रहती है, उनकी प्री बुकिंग रहती है। तो आप उनको ऑलरेडी अगर आप जाना चाहते हैं तो ऑलरेडी पहले एक दिन पहले या 2 दिन पहले ऑनलाइन अपनी बुकिंग कर लें। सरकारी बस में जाना चाहते हैं तो उसमें कोई भी बुकिंग नहीं रहेगी, लेकिन उसमें आपको काफी ज्यादा तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आप उसमें लगेज वगैरह की दिक्कत, वो सब दिक्कत होती है। तो आप अपनी जो प्री बुकिंग है वो करके रख लें। उसके बाद आपको सुबह फिर अपनी बस है जो ले लेनी है, बस लेते लेते फिर आपकी जो बस है जाएगी सीधा बद्रीनाथ। आपको 12 से 15 घंटे का जो टाइम है लगेगा, अगर आप सुबह बैठ रहे हैं, जैसे आप सुबह 5 बजे बैठे तो शाम को 6 या 7 बजे तक आप बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे, डायरेक्टली आपकी बस है जो जाने वाली है। तो अगर आपको इतना लंबा सफर एक दिन में नहीं करना है, तो आप इसको 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं। बद्रीनाथ से जोशीमठ जा सकते हैं, जोशीमठ में स्टे करके, ठीक है, उसके बाद अगले दिन जा सकते हैं। लेकिन जोशीमठ से जो बद्रीनाथ का डिस्टेंस है वो सिर्फ 45 किलोमीटर ही है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये पूरी जर्नी एक दिन में ही कंप्लीट कर दें। हरिद्वार से जैसे आप बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे, तो बद्रीनाथ में आप जाके अगर आपको होटल है तो चेक इन कर सकते हैं, होटल नहीं है तो बस स्टैंड पे आपको बस उतार देंगे, फिर आपको वहां से पैदल चलते चलते कहां जाना है, जहां पे मेन बद्रीनाथ टेंपल है। मेन बद्रीनाथ टेंपल के बिल्कुल पीछे ही आपको होटल वगैरह, होटल तो आपको ना बस स्टैंड से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, वहां पे आपको कम प्राइस में भी मिल जाएंगे, 1500-1600-1700 तक भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मंदिर के बिल्कुल पास रहना चाहते हैं तो वहां भी आपको सिर्फ 300-400 रुपए ज्यादा देके मंदिर के बिल्कुल पास भी अच्छे अच्छे होटल मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप क्वालिटी वाइज की बात करें तो क्वालिटी वाइज जो अच्छे होटल आपको मिलेंगे, जिसका मतलब कि अंदर का इंटीरियर वगैरह बेड वगैरह भी अच्छा होगा, वो आपको बस स्टैंड के पास ही मिलने वाले। तो बस स्टैंड पे उतर के आपको चले जाना है वहां पे, ठीक है, पैदल चले जाना है वहां पे मंदिर तक, वहां जाके अपने होटल ले सकते हैं, पहले लेना तो पहले ले सकते हैं। तो मंदिर के पास जो मैंने होटल लिया था वो मंदिर के पास लिया था, 1500 रुपए पर नाइट का मुझे प्राइस मिला था, जिसपे कि 3 लोग रह सकते थे 1500 रुपए में। तो मंदिर के बिल्कुल पीछे मुझे वो मिल गया था, तो वहां जाके होटल वगैरह फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास है। वहां पे काफी सारे भवन वगैरह भी अवेलेबल है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा कॉस्टली रहते हैं, उनसे सस्ते तो होटल रूम मिल जाते हैं। तो वहां पे जाके होटल रूम लेके आपको चेक इन कर लेना, चेक इन करके आप जाके लाइन में लग सकते हैं। बद्रीनाथ में जो आपकी जो बारी आ जाएगी ना दर्शन करने की, वो रात को जल्दी आ जाएगी एज कम्पेयर टू सुबह सुबह। तो ट्राई करिएगा कि आप जैसे वहां पहुंच जाए तो शाम को बद्रीनाथ की आरती देख के, आरती देखने के बाद आप लाइन में लग जाए, लाइन में लग के आप दर्शन कर रहे रात को ही, और उसके बाद जाके रूम में सो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती, तो आप थके तो नहीं है, पूरा दिन बस में ही बैठ के आए हैं, तो आप वहाँ पे लाइन में लग के अपने दर्शन कर सकते हैं। फिर वहाँ पे दर्शन करने के बाद आप रात को सो जाए, फिर आप सुबह उठ के जाए 4 या 5 बजे, तो बद्रीनाथ का जो पूरा कॉरिडोर है ना, वहाँ पे ना काफी सारे गर्म पानी के कुंड है, जहाँ पे नहाने से आपकी बॉडी के मतलब काफी सारी चीजें भी ठीक हो जाती है, और वहाँ पे नहा के बद्रीनाथ के दर्शन करने से काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर आपको दोबारा से दर्शन करना है तो सुबह जाके वहाँ पे जाके आप स्नान कर सकते हैं, स्नान करके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दर्शन नहीं करने तो आप दोबारा से स्नान करके आप जा सकते हैं माना विलेज। अगर आपको दर्शन करने हैं तो वहां पे स्नान करके आप दोबारा बद्रीनाथ की लाइन में लग के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको 2 या 3 घंटे लग जाएंगे वहां पे दर्शन करने के लिए दोबारा से, तो अगर भीड़ के मुताबिक हो सकता है 5 या 6 घंटे भी लग जाए। तो अगर आपको वहां पे ऐसा है कि आपके दर्शन जल्दी हो रहे तो आप लाइन में लग जाए, लेकिन अगर आपके दर्शन नहीं हो पा रहे, अगर आपने रात को दर्शन नहीं किए थे फिर तो आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने रात को दर्शन कर लिए तो अगले दिन आपके पास टाइम रहेगा कि आप माना विलेज एक्सप्लोर करें। माना विलेज क्या है, जो माना विलेज इंडिया वाली साइड से पहला विलेज है, ठीक है, जो कि बद्रीनाथ
बद्रीनाथ के पास पड़ता है। तो बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे माना विलेज है, तो अगर आपके बद्रीनाथ के दर्शन हो गए तो आप वहां से फिर पैदल जाएंगे। किसी को भी पूछ लेना कि माना विलेज जाने का रास्ता कौन सा है, वहां से आप पैदल चले जाएंगे, वहां पे आपको टैक्सी स्टैंड मिलेगा। टैक्सी स्टैंड पे आप चले जाएंगे तो 500 रुपए में पूरी गाड़ी बुक हो जाती है, जिसमें कि 6 या 7 लोग बैठते हैं आने जाने के लिए 500 रुपए की। अगर आप सिंगल साइड की टैक्सी बुक करते हो तो 50 रुपए पर हेड आपको मिल जाता है अगर आप सिंगल हो, और अगर आप ग्रुप हो पूरा तो 300 रुपए में पूरी गाड़ी बुक कर सकते हो, जिसमें आप 5, 6, 7 लोग या 10 लोग तक टोटल बैठ के जा सकते हो 300 रुपए में। तो अगर आप सिंगल बंदा हो तो आपको 50 रुपए पर हेड खर्चा आता है उसमें गाड़ी में बैठ के जाने का। तो वहां से आप टैक्सी में बैठ के चले जाओगे, लगभग 10 मिनट में आप ठीक है बद्रीनाथ से माना विलेज तक पहुंच जाओगे। फिर माना विलेज के बाहर आपको गाड़ी उतार देगी, फिर माना विलेज के अंदर आपको पैदल एक्सप्लोर करना है। माना विलेज एक मतलब टॉप पे विलेज है जहां पे सिर्फ आप पैदल ही घूम सकते हो, गलियां हैं बहुत सारी, तो वहां जाके काफी सारा चीजें देखने को मिलती है। वहां से आगे आपको वसुधारा फॉल, वसुधारा फॉल के बारे में अगर आपको बताओ, वहां से ट्रैक है तो माना विलेज जहां पे खत्म होता है वहां से ऊपर 5 किलोमीटर जाने के बाद वसुधारा फॉल है। तो अगर आप वसुधारा के पास एक दिन एक्स्ट्रा है आप रुकना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं कि माना विलेज में होटल बुक करके जा सकते हैं और अपना वसुधारा फॉल का ट्रैक करके आ सकते हैं और कंप्लीट करके माना विलेज में नाइट स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेम डे ही वापस जाना है, आप वहां पे नहीं रुक सकते, तो आपको क्या करना है कि वहां चले जाना है, माना विलेज एक्सप्लोर करना है, भीम पुल देखना है, अंदर माना विलेज के अंदर जितनी भी चीजें वो सारी एक्सप्लोर करनी है, और एक्सप्लोर करने के बाद दोबारा टैक्सी लेके आपको आ जाना है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ से आपको बस या टैक्सी पकड़ के निकल जाना है दोबारा से कहां पे ठीक है आगे की तरफ। तो आपने पूरा बद्रीनाथ एक्सप्लोर किया, उसके बाद थर्ड डे पे आपने पूरा बद्रीनाथ एक्सप्लोर करके वापस आ जाना है आपको बद्रीनाथ पे। और अगर आपको वसुधारा फॉल वाला आपने ट्रैक कर लिया तो आप वहां माना विलेज में रुक सकते हैं। अब आपके पास तीसरे दिन दो ऑप्शन है, या तो आप माना विलेज में रुक सकते हैं या बद्रीनाथ में रुक सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको माना विलेज में मिल रहा है तो आप माना विलेज में स्टे कर सकते हैं, लेकिन वहां पे रुकना थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी नहीं है और थोड़ा इंटरनेट का भी इशू रहता है, इंटरनेट वहां पे नहीं चलता, बद्रीनाथ में अच्छा खासा चलता है। तो आप माना विलेज में अगर लोकल एक्सपीरियंस रहना चाहते हो, आपका ग्रुप है पूरा ग्रुप रह रहा है तो आप रह सकते हैं, लेकिन सोलो तो वहां पे आप ना ही रहे तो बेटर है। तो आपको माना विलेज पूरा एक्सप्लोर करके 3 या 4 घंटे में आपका एक्सप्लोर हो जाएगा, फिर आपको वापस आ जाना है बद्रीनाथ। फिर बद्रीनाथ में आपको उस दिन वहां पे दोबारा स्टे करना पड़ेगा, तो बाद दोबारा गर्म कुंड में जाके आप नहा धो के वहां पे रात को होटल वगैरह सेम लेके रह सकते हैं। उसके बाद सुबह सुबह आपको दोबारा बस स्टैंड चले जाना है 4 या 5 बजे, और फिर आपको दोबारा से जो बस मिल जाएगी ठीक है, उसके बाद आपको कहाँ की बस लेनी है, बद्रीनाथ से जोशीमठ की बस लेनी है ठीक है। उसके बाद अगले दिन आपको क्या एक्सप्लोर करना है, जोशीमठ करना है। लेकिन जिस दिन आपने माना विलेज एक्सप्लोर कर लिया था, अगर आपका जो एक्सप्लोर है वो 3 या 4 बजे तक हो गया और वापस आके अगर आपको जोशीमठ के लिए बस या टैक्सी मिल रही है, तो टैक्सी 90% आपको ना 6 या 7 बजे तक टैक्सी मिल जाती है। तो आप ट्राई करना कि सेम डे आप जब माना विलेज से आए तो अगर आपको टैक्सी या बस मिल रही है तो आप जोशीमठ तक ही ले लें। तो वहां से फिर आप जोशीमठ में क्या है, जोशीमठ में नरसिम्हा टेम्पल है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, जिसको कि फ्यूचर बद्रीनाथ भी कहा जाता है। तो जोशीमठ के उस टेम्पल के दर्शन भी जरूर करके जाए। तो आपको वापस आके माना विलेज से वापस आके अपना लगेज लेके ठीक है चले जाना है जोशीमठ, जो टैक्सी वगैरह लेके, टैक्सी वाला आपसे लेगा 100 रुपये अगर आप जाना चाहेंगे जोशीमठ के लिए, और अगर आप बाई बस जाना चाहते हैं तो 50-60 रुपये में आप बाई बस पहुंच जाएंगे, क्योंकि बद्रीनाथ से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पे है जोशीमठ, और जाने में भी टाइम सिर्फ 2 घंटे ही लगते हैं। तो वहां से आप टैक्सी पकड़ के पहुंच जाएंगे जोशीमठ। जोशीमठ में जहां पे आपको टैक्सी स्टैंड या बस वाला उतारेगा वहां पे काफी सारे होटल्स वगैरह जो आप बुक करके रह सकते हैं। 1500 से 2000 आपका जो रूम का रेंट रहने वाला है ठीक है 2 बंदों के लिए, तो वहां पे आप बुक करके रह सकते हैं। और सुबह वहां पे रात को जो टेम्पल है वो 8 बजे तक खुला रहता है, अगर आप टाइम पे पहुंच गए तो टेम्पल के दर्शन करने जा सकते हैं, अदरवाइज अपने होटल में रेस्ट करें, डिनर करें और सो जाए। सुबह सुबह आप 5 या 6 बजे उठ के जा सकते हैं नरसिम्हा टेम्पल के दर्शन करने। नरसिम्हा टेम्पल वहां से आप बाई फुट जा सकते हैं, सिर्फ 1 किलोमीटर का ट्रैक है, वो भी आपको पहाड़ से सिर्फ नीचे उतर रहा है, जाके नरसिम्हा टेम्पल के दर्शन करें। नरसिम्हा टेम्पल के दर्शन करके वापस आ जाए बस स्टैंड पे, बस स्टैंड से आपको फिर जोशीमठ से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट बस है जो मिल जाएगी। तो उसके बाद फिर आप जोशीमठ से ऋषिकेश या हरिद्वार जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, वहां से आपको अप्रॉक्सीमेट वही 10 से 12 घंटे लगेंगे जोशीमठ से ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंचने के लिए। तो ये रहेगी पूरी जर्नी अगर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं। तो इसमें अगर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो बद्रीनाथ जाने के लिए आपको बद्रीनाथ मतलब कि हरिद्वार बद्रीनाथ और वापस हरिद्वार आने के लिए लगभग 4 दिन का समय लग जाएगा, जिसमें कि आप उस पर 1 दिन तो आपका जाने में लग जाएगा, उसके अगले दिन आप बद्रीनाथ को एक्सप्लोर करेंगे, माना विलेज एक्सप्लोर करेंगे, उसके अगले दिन आप जोशीमठ एक्सप्लोर करेंगे 3rd दिन, उसके बाद आप 4th दिन वापस चले जाएंगे जोशीमठ और ऋषिकेश। जहाँ भी आपको जाना है, बद्रीनाथ जाना है तो बद्रीनाथ, अगर आपको ऋषिकेश एक्सप्लोर करना है तो वापस जाते हो आप ऋषिकेश जा सकते हैं। तो ये पूरी आपकी जर्नी रहने वाली है जो बद्रीनाथ के लिए रहने वाली है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। रोड कंडीशंस की बात करें तो रोड कंडीशंस भी काफी ज्यादा अच्छी है, रोड कंडीशंस भी खराब नहीं है। अगर आप बाइक वगैरह पे जाना चाहते हो तो रेंट करके बाइक वगैरह पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आप या तो प्राइवेट टैक्सी या बस बुक करके ही जाए। रोड कंडीशन मैंने आपको बताया कि सारी ऑलमोस्ट ठीक है, जोशीमठ के बाद है जो रोड कंडीशन है वो खराब होनी स्टार्ट होती है, जोशीमठ से 10 किलोमीटर पहले से रोड कंडीशन है जो खराब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद फिर जोशीमठ से उसके आगे भी 10 किलोमीटर ठीक होगा, फिर लास्ट के जो 30 किलोमीटर है वो काफी ज्यादा खराब है रोड कंडीशन, तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि अभी बारिश वगैरह भी चल रही है, तो रोड्स काफी ज्यादा टूटी हुई है और कीचड़ भी काफी ज्यादा है। तो ये थी पूरी डिटेल जो मैंने बद्रीनाथ के बारे में आपको बतानी थी कि क्या 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 आप कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है बद्रीनाथ के रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो।
आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।